वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इनटेक वेल का डिज़ाइन कैसे करते हैं, यानी उसके डायमीटर और उसके डेप्थ के बारे में कैसे पता करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में तीन फोटो देख रहे होंगे। पहला जो आपको दिख रहा होगा एनिमेशन वीडियो है, जिसकी हेल्प से आपको ऊपर नीचे इनटेक और उसके ऊपर पंप रूम दिख रहा होगा। दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है और तीसरा अभी फिनिशिंग वर्क है। तो ये तीन आपने देखा। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियरिटी कर लेते हैं कि इसमें इनटेक वेल कौन सा पार्ट है। तो मैं आपको यहाँ भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन का फोटो दिखा रहा हूँ और एक रियल जो हम लोग का डिज़ाइन ड्राइंग का होता है उसका दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नीचे वाला पार्ट है, जिसे मैंने रेड कलर्स के बॉर्डर से शो किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो उसे ही हम इनटेक वेल कहते हैं या फिर इनटेक स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम पंप रूम कहते हैं, जिसे मैंने आपको ब्लू लाइन से शो किया है। ये चीज़ आप दोनों में देख सकते हैं, चाहे आपका डिज़ाइन ड्राइंग हो या फिर जो रियल अंडर कंस्ट्रक्शन पिक्चर है उसमें भी। तो आपको ये क्लियरिटी हो गया कि इनटेक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को। अब चलते हैं इसके डिज़ाइन पे, इसके डायमीटर और इसके हाइट के या डेप्थ के बारे में पता करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी हमें कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 11 MLD के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा इसमें 10.272 MLD हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर आया था। कैसे आया था, इसके लिए मैंने 3 MLD प्लांट में आपको बता के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम प्रोसेस है, बस नंबर ऑफ विलेज वहाँ पर 8 था और इसमें 44 हो जाएगा, जिस कारण इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो फर्स्ट हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, टोटल क्वांटिटी, वो आ गया। तो हमेशा जितना आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है उससे हमेशा हम 1.25 के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो डिज़ाइन वेल वॉल्यूम में हम लोगों ने 1.25 जितना हमारा टोटल क्वांटिटी था यानी 10.272 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा आ गया 12.840 MLD। यानी हमें इतना के लिए डिज़ाइन करना है। हमें एक चीज़ हमेशा मानना पड़ेगा कि पंपिंग आवर, हम पंपिंग को कितना देर पंप करेंगे यानी पानी खींचेंगे इनटेक से। यानी एक तरह का वेल यानी कुआं है जिसे हमें पानी खींचना है। अगर आपने कुआं यानी देखा होगा तो इजीली आप उसी से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लोग पहले के समय में अभी भी बहुत जगह कुआं के अंदर पंप लगा दिया जाता है और वहाँ से आपको पानी खींचा जाता है ऊपर, जिससे खेती की जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ अभी मिल गया है, पहला डिज़ाइन वैल्यू जो कि 12.840 है और पंपिंग आवर जिसे हमने माना हुआ है 16 आवर। और ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग माना है कि इतने MLD का हमें निकाल क्वांटिटी है, डिज़ाइन वॉल्यूम है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इतने आवर पंप को चलाना होगा। जिस तरह अगर आप खेती करते हो तो हाँ इतना आपका पानी चाहिए, यानी इतना आप पानी पटाना है या पानी सप्लाई करना है तो हमें इतना घंटा रिक्वायर्ड होगा पंप को चलाने के लिए, ठीक उसी तरह। तो ये टोटली एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हमें एक चीज़ पता है, जैसे हमारा जो डिज़ाइन वॉल्यूम है वो MLD है, तो 1 MLD पर डे के इक्वल टू होता है 0.6944 m³ पर मिनट। तो हमारा डिज़ाइन वॉल्यूम अगर हम क्यूबिक पर मिनट में ये कन्वर्ट करना चाहें तो 12.840 इंटू 1 MLD, क्योंकि MLD को हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक पर मिनट में, तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। और चूंकि एक दिन में पर डे है तो हमारा एक दिन में 24 घंटे होता है और हम उस 24 घंटे में सिर्फ 16 आवर ये कर रहे हैं, तो 24 / 16 अगर हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा 13.375 आ जाता है। तो ये हमारा डिज़ाइन वॉल्यूम क्यूबिक पर मिनट में हो गया। एक चीज़ हम और इसमें कट करते हैं, जैसे डिटेंशन टाइम, यानी कोई अवरोध आ सकता है, कोई रुकावट हो सकता है, किसी भी तरह का डिले हो सकता है, तो डिटेंशन पीरियड 30 मिनट हम इसमें माइनस कर देते हैं। यानी हम इतना मानते हैं कि हम 30 मिनट हमें किसी न किसी तरह का अवरोध होगा लेकर चलते हैं, तो हम इसमें से 30 मिनट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी फॉर डिटेंशन टाइम।
तो इसमें हम लोगों ने अभी निकाला है 13.37, तो हम उसमें पर मिनट क्यूबिक में कन्वर्ट करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर आप यूनिट को भी देखें तो क्यूबिक पर मिनट इनटू मिनट है, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 401.25 क्यूबिक में आ जाएगा। हमें एक चीज़ यहाँ पर मानना पड़ता है, डायमीटर ऑफ वेल। आप या दाया को मान लीजिए या फिर आपको हाइट को मानना होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस होता है दाया को ही माना जाता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारा टेबल है उसमें हमने डायमीटर माना हुआ है 10 मीटर, और ये भी हमने पूरा ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपीरियंस के बेस पे लिया है कि 400 हमारा स्टोरेज कैपेसिटी आया है तो हमें 10 मीटर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 मीटर दाया ले लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इनटेक वेल, जो कि हम क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दाया यानी रेडियस पता चल चुका है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए निकालते हैं। तो पाई यानी 3.142 और आर यानी हमने दाया लिया है 10, तो उसका रेडियस हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यह आ जाएगा 78.540 मीटर स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम पता है और एरिया पता हो गया, तो हम आराम से आपका स्टोरेज डेप्थ निकाल सकते हैं। तो हमने इफेक्टिव डेप्थ फॉर स्टोरेज यानी हमारा डेप्थ जो आएगा वो हमने 401.25 डिवाइडेड बाय 78.54 कर देंगे, तो हमारा हाइट या डेप्थ पता चल जाएगा 5.109। तो यहाँ पर हम इसको एक राउंड ऑफ ले लेंगे, यानी हम 5.2 मीटर इसे ले लेंगे, जो कि आप ऊपर टेबल में 8 नंबर में देख सकते हैं। और इसी तरह चूँकि नीचे कुछ सिल्ट भी होता है, कुछ गंदा भी होता है, तो हम उसके लिए 500 एक्स्ट्रा मानते हैं। देखिए सिल्ट पॉकेट 0.5 मीटर बिलो दी रिक्वायर्ड डेप्थ, तो हमारा टोटल डेप्थ आ गया 5.2 पहले था प्लस 500 हो गया, तो 5.7 मीटर टोटल डेप्थ आ गया। तो ये हम किस डेप्थ की बात कर रहे हैं वो भी हम ड्राइंग में आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जो आपका रिवर बेड लेवल होता है, यानी जो आपका पानी जहाँ से आपका स्टोर होता है वो लेवल से हमें 5.7 नीचे जाना है। रिवर बेड लेवल आप ड्राइंग में लिखा हुआ देख सकते हैं, वो है 203.5 जो कि आपको टेबल में भी दिख रहा होगा, और हाई फ्लड लेवल उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो आपको रिवर बेड से नीचे जाना यानी बिलो जाना है 5.7 मीटर, ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया होगा। और दूसरा हम डिफरेंस देख लेते हैं, हाई फ्लड लेवल क्या होता है, जब मैक्सिमम पानी आया हुआ हो उस एरिया में उसी को हम HFL लेवल या हाई फ्लड लेवल कहते हैं, तो वो डिफरेंस देख सकते हैं। ये दोनों डाटा हमें सर्वे के द्वारा मिल जाता है, या फिर जियोग्राफी के थ्रू या जियोलॉजिकल डाटा के थ्रू भी आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया है 4 मीटर, क्योंकि वो 203.5 है रिवर बेड लेवल का और हाई फ्लड लेवल है 207.5, जो सा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे। तो डिफरेंस आ गया 4 मीटर। और हम फ्री बोर्ड लेते हैं 1.5, यानी कुछ एयर का सर्कुलेशन या कुछ अलग, जैसे भी आप ड्राइंग में मैंने आपको शो किया है 1.5 मीटर। तो टोटल आ गया 5.7 प्लस 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर, यानी 11.2 मीटर ये पूरा डेप्थ आ गया। अब एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि हम जब डेप्थ 5.7 से ही काम हो गया तो हमने ऊपर का जो 5.5 है वो क्यों लिया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसके ऊपर पंप रूम बना रहे हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ड्राइंग में, तो उसमें कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए उसके पंप पे, नहीं तो उसका पंप ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमने हाई फ्लड लेवल से ऊपर हमने पंप रूम बनाया है, इसलिए हमें वहाँ तक वॉल की कास्टिंग करनी पड़ी है। तो चूँकि अगर हम यहाँ पर पंप रूम नहीं बनाएं तब हम सिर्फ 5.7 यानी रिवर बेड पे ले सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि एक तरह से हम इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि कभी भी पानी आए, कुछ भी आए, तो हमारा स्ट्रक्चर और डगमगाए नहीं, इधर उधर ना जाए। तो ये मेन रीज़न था। और चूँकि अगर आपको पानी खींचने के लिए आपको ऊपर पंप लगाना ही पड़ता है, तो आई होप ये पूरा डिस्टेंस कैसे आया और बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। तो हमें डिज़ाइन करने के लिए इनटेक वेल का 2-3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला हमें टोटल क्वांटिटी पता होना चाहिए, वो भी अल्टीमेट ईयर की, क्योंकि हम इनटेक को अल्टीमेट ईयर के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिया भी था शुरू में वैल्यू 10.272। फिर हमें यहाँ रिवर बेड लेवल पता होना चाहिए और फिर उसका हाई फ्लड लेवल होना चाहिए, जो कि हमें
सर्वे के द्वारा या यहाँ का जहाँ भी आप करते हैं उसका डाटा कलेक्ट हो जाता है और फिर हम निकाल लेते हैं बहुत ईजिली और बहुत आसानी से। तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।